संभावित दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों शासन प्रशासन द्वारा यहाँ बच्चों के लिए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कराया गया है, जिसे लेकर के यहाँ किस प्रकार के इंतजाम है, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं, उसका हम जायजा लेने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये बेड 10 यहाँ पूरे तरीके से तैयार हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं, 2 वेंटिलेटर भी आ चुके हैं, मॉनिटर हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर साहब, यहाँ संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किस प्रकार के इंतजाम हैं? शासन के निर्देश के अनुसार हमारे पास दो पीडियाट्रिशियन हैं और एक नए उसकी छोटी टेक्नीशियन की अपॉइंटमेंट हो गया है, जिसको उसका प्रशिक्षण वेंटिलेटर का दे दिया गया है। कोई भी गेम यदि आता है अगर उसमें तो हमें तैयार है। यहाँ जो 10 बेड का अस्पताल बनाया गया है, उसके लिए जो है किस प्रकार के इंतजाम रहेंगे, क्या समय रहेगा उनके लिए, ऐसा कोई प्रावधान या कोई ऐसा कोई व्यवस्था? नहीं, जब भी कोई कभी भी कोई भी केस आता है, हम लोग तुरंत तैयार हैं, तुरंत यहाँ पे एडमिट होकर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं हमारे पास पूरी है। 10 बेड का यहाँ जो है वेंटिलेटर अस्पताल बनाया गया है, तो अब तक उसमें कितना जो है पर मुहैया हो चुके हैं, कितना रह गया है? अभी तो 2 वेंटिलेटर आ गए हैं और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है हमारे पास, बाकी 20 बेड का एडल्ट के लिए बनाया गया है, तो 30 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार है। सारे 30 बेड हैं, सभी के सभी पर जो कर हैं वो मुहैया हैं या कुछ आने से हैं? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, जो मेन ऑक्सीजन चाहिए है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे हैं और वेंटिलेटर पर सामने भी ऑक्सीजन पर वेंटिलेटर भी पा रहा है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आगे पे अधिकारी महोदय के द्वारा उपलब्ध कराई है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 बेड का बच्चों का अस्पताल बनाया गया है, जबकि 20 बेड का जो एडल्ट है वो वार्ड बनाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ 30 बेड का जो अस्पताल है वो पूरी तरीके से रेडी है और यहाँ उपलब्ध, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ सारे काम कर रहे हैं। भविष्य में अगर कोई केस आता है तो ये पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।